चैप्टर थ्री मैट्रिसेस पार्ट फोर। इस पार्ट में हम कवर करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हेलो बच्चों, मैं हूं वीके। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सपोर्टिंग चैनल पीएम वीके सागर। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको डाउट है तो आप हमसे लाइव फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हैं हर रात 9:30 बजे। इसके लिए आपने उस वीडियो में जिसमें आपको डिस्कशन करना है, मान लीजिए इसी वीडियो में डिस्कशन करना है, तो आपको 2 मिनट पर 3 मिनट पर जिस भी टाइम पर आपको डाउट होता है उस टाइम के साथ अपना नाम लिखें और कमेंट कर दें। इसके लिए आपको हमें ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यहां बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या चेंजेस होते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का 2, 1, 3, 5। ओके, अब कोई स्केलर लेते हैं, मान लीजिए स्केलर 3 है, इसकी मल्टीप्लाई हमने ए में कर दी, तो इस केस में क्या होगा कि एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, 3, 9, 15। तो आपको ये पूरा टॉपिक ही समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होता है। बच्चों यदि हम किसी नंबर से, जो कि एक स्केलर है, वो कुछ भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, यदि हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसी बात को हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्केलर मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर देन। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, शॉर्ट फॉर्म में तो आप ऐसे लिखते हैं ए आई जे। यहां ए आई जे क्या है बच्चों, एलिमेंट है और के एक स्केलर है ना। तो जब हम के की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के ए इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट के ए आई जे। के की मल्टीप्लाई हम सभी एलिमेंट्स में कर लेंगे। एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हमारे पास ए, ये मैट्रिक्स है और हमें इसमें स्केलर नंबर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे बच्चों। 3A के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, 3A के लिए आप इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये जाएगा 3 - 15 - 6 - 0 - 3 - 9 - 18 - 12 - 15। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड के एंड एल आर नंबर्स, मान लीजिए हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, उनके सेम ऑर्डर हैं, के और एल नंबर्स हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी बच्चों, के टाइम्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यदि हम किसी स्केलर की 2 मैट्रिक्स के सम में मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होता है कि दोनों की, मतलब इस के की, इस स्केलर की दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब के ए प्लस के बी। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। दूसरी देखते हैं, मान लीजिए 2 स्केलर हैं के और एल और उसमें हम एक ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी, जैसे के ए फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। और आप के ए का मतलब समझते ही हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, के स्केलर है, तो के की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स में हो जानी है। इसी प्रकार से यहां ए एक मैट्रिक्स है, एल एक स्केलर है, तो एल की मल्टीप्लाई इसके सभी एलिमेंट्स में हो जानी है। बच्चे जो आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स सीखना है। तो बच्चों किसी मैट्रिक्स को निगेटिव बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका, जैसे मान लीजिए कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 9, 7, 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसे निगेटिव बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे
माइनस ए करना पड़ेगा, माइनस ए का मतलब माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई करी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो इसके सभी एलिमेंट्स में, तो ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? सिंपल सा यहां फैक्ट है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इसका मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव हो गया। लेकिन जब हम इस तरफ मैट्रिक्स में करेंगे तो इसके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जानी है, जैसा कि यहां मैंने कर दिया है, तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स को नेगेटिव बना सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2, -1, 3 and 4, देन हाउ टू फाइंड माइनस ए, मैंने पीछे बता दिया था एग्जाम्पल में, इसी चीज को एक बार और सीख लेते हैं। तो माइनस ए इज इक्वल टू, आपने सभी एलिमेंट्स में ए के सभी एलिमेंट से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देनी थी, हो जाएगा -2, -1, -3 and -4, इस प्रकार से आप नेगेटिव बना सकते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बच्चों दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे और दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए बच्चों बहुत ही सिंपल सी बातें आपने जान लेनी है कि हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो, और ऐड करते समय जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो नए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां एक मैट्रिक्स ले लिया A 1, 2, 3, 4 और B हमने ले लिया 5, 6, 7, 8। अब देख पा रहे हैं हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय आपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेना, जैसे 1 और 5 ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो 1+5, 6, 2+6, 8, 3+7, 10, 4+8, 12, दो मैट्रिक्स का आपने एडिशन पता कर लिया। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। आइए इसी बात को हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ते हैं, जो जिसे आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में अपनी थ्योरी के लिए। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अब बच्चों हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स तो ये है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको पता है, इस प्रकार से होगी ए आई जे इसका एलिमेंट है। जैसे जैसे हम आई जे रो और कॉलम पता होगी तो हम ये सभी एलिमेंट्स पता कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को। इसी प्रकार से हमारे पास बी है, इन दोनों इनका ऑर्डर सेम है और इन्हें हमें ऐड करना है। देन देयर सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स हूज ए आई जे एलिमेंट इज ए आई जे एंड बी आई जे। जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहां जो ए है, ए का आई जे एलिमेंट ये है और बी का आई जे एलिमेंट ये है, तो जब इन दोनों को ए और बी को ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका आई और जे एलिमेंट जो होगा वो ए आई जे एंड बी आई जे होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे, यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है दोनों के, ए आई जे बी आई जे। जैसे जैसे रोज कॉलम हमें पता होंगे उसके हिसाब से हम एलिमेंट पता कर सकते हैं और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। तो आप इजिली पता कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का सब। तो बच्चों को यह समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात आप देख लो, क्या अगर हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है ना, तो इसका मतलब यह है कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो इन दोनों का सम होगा, जो कि इन स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे बी आई जे। क्या बच्चों को ये सारा स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो एग्जाम्पल देके बताया था, बस बड़ा सिंपल है। स्टेटमेंट में हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आती हूं, लेकिन एग्जाम्पल में आपने देखा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जबकि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, उन्हें इजिली आप एड करके मैट्रिक्स का सम पता कर लेते हैं। वही चीज यहां आपको थियोरेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट की फॉर्म में बताई गई है। जैसे देख लो, एक चलो आखिरी बात मैं एक्सप्लेन करता हूं, लास्ट वाली लाइन ए आई जे बी आई जे, ये दो मैट्रिक्स हैं, ये ए को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स ए को और ये मैट्रिक्स बी को। अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए तो मैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लूंगा। तो देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके रेस्पेक्ट में करेस्पॉन्डिंग ये है बी आई जे, तो ऐड कर दिया और ये मिल गया। अब जैसे जैसे हमें रो कॉलम मिलते जाएंगे उसके हिसाब से हम सभी एलिमेंट्स पता कर सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके न्यू मैट्रिक्स पता कर सकते हैं।
बच्चे एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां आपको इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बताऊंगा। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए आप देख पा रहे हैं, बी आप देख पा रहे हैं, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं बताऊंगा यहां। जैसे मुझे ए प्लस बी पता करना, तो ए है हमारे पास 1, 3, -1, 5, 2, 7 प्लस बी 2, 1, 0, -1, 2, -5। ये हमारे दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 और 2 ऐड कर लो, 3 हो गया, 3 और 1 4 हो जाएगा, -1 और 0 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते जाओ, -1, 5 -1, -4, 2 + 2, 4, 7 - 5, 2। ए प्लस बी हमने ऐसे पता कर लिया, समझ में आ गया होगा बच्चों को। ऑर्डर सेम थे दोनों मैट्रिक्स के और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते गए तो हमें सम मिल गया। अब बच्चों डिफरेंस कैसे पता करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। अब ए माइनस बी है तो बच्चों ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए जो कि हमारे पास है 1, 3, -1, 5, 2, 7 अब प्लस बच्चों माइनस बी चाहिए तो इसके लिए हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, -2 और 5। ओके इनको ऐड कर लो तो 1 - 2 - 1 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने सॉल्व करने, तो -3, -1, 2, -1 + 0, -1, 5 + 1, 6, 2 - 2, 0, 7 - 7 + 5, 12। तो इस प्रकार से आप दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पता कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, बच्चों मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों ही फॉलो करता है। आइए देखते हैं, इफ ए एंड बी, ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन मान लीजिए हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी और सभी के ऑर्डर सेम है। ए प्लस बी, पहले हम दो मैट्रिक्स की बात करेंगे बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ये कि हम हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम चाहें तो पहले वाले को दूसरे में ऐड कर लें या दूसरे वाले में पहले को ऐड कर लें, तो उस केस में बच्चों सेम ही रिजल्ट मिलना है। और ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसी लॉ को, ऐसे लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन। सेकेंड बच्चों अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ की, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं तो हम बच्चों ये बात मैं आपको पहले इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं इस बात को। जैसे मान लीजिए एक दो सिंपल से नंबर लेते हैं, 2 + 3 बच्चों 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। ओके तो आप देख पा रहे हैं कि यहां कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो पा रहा है, इसी प्रकार से मैट्रिसेस भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। यहां ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से मतलब ये प्लेसेस के ऑर्डर की बात हो रही है, मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात नहीं हो रही है। यदि हम ए प्लस बी निकालें या बी प्लस ए निकालें, दोनों केस में मैट्रिक्स का सम सेम ही होगा। तो देखो बच्चों 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है जिसे मैट्रिक्स में भी फॉलो किया अप्लाई किया जा सकता है। बात करेंगे बच्चों एसोसिएटिव लॉ, अब इसे मैं समझाऊं उससे पहले आप ये देखें, मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, 2, 1, 2, 3। ओके पहले मैं 1 और 2 को ऐड करूं और फिर उसके बाद 3 को ऐड करूं, 6 आया बच्चों, इन दोनों को ऐड किया तो आया 3 या 3 + 3 = 6। या मैं ऐसे कर लूं कि पहले मैं ऐड कर लूं 2 और 3 को जो कि 5 होगा और फिर मैं 1 को ऐड करूं तो
सिक्स हो जाएगा भाई, टू प्लस थ्री फाइव, और फिर हम वन को ऐड कर लें। मतलब हमारे पास थ्री नंबर्स हो, जैसे हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, ये इनमें से पहले किसी दो को ऐड करें, अगर आप तीनों को ऐड करना चाहते हैं तो पहले किसी दो को ऐड करेंगे फिर तीसरे को ऐड करेंगे। तो यहां बच्चों एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि यदि हम किसी भी दो को ऐड करें फिर तीसरे को ऐड करें, अब दोनों केस में रिजल्ट सेम मिले तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहां हम मैट्रिक्स में भी सेम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये कि एसोसिएटिविटी भी फॉलो होती है यहां मैट्रिक्स एडिशन में। मान लीजिए कि हमारे पास थ्री मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें फिर तीसरे को ऐड करें। जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चों यहां ए प्लस बी है फिर हमने सी को ऐड किया, या पहले हमने ब्रैकेट वाले बी प्लस सी को, मतलब बी और सी को ऐड किया फिर ए को ऐड किया, तो दोनों ही केस में सेम रिजल्ट मिलना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन भी आप समझ गए कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अब क्योंकि बच्चों इस पार्ट से रिलेटेड थ्योरी हम पढ़ चुके हैं तो आप करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हो जाना है बूस्ट। तो हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड 3a प्लस 4b। बच्चों 3a प्लस 4b पता करने के लिए इस वाले मैट्रिक्स हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस वाले मैट्रिक्स में 4 से। आइए देखते हैं 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स ऐड किए जा सकते हैं बच्चों क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। तो पहले वाले मैट्रिक्स ए में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 माइनस 12 0 0 0 6 प्लस 4 4b, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 0 0 0 12 0 0 0 माइनस 15। बच्चों क्लियर हो गया होगा भाई, 3a पता करने के लिए इस मैट्रिक्स में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 4b पता करने के लिए इस मैट्रिक्स में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। दोनों का एडिशन चाहिए तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट किए जाएंगे। तो 3 प्लस 16 19, 3 और 16 19 है, बाकी दो एलिमेंट इस रो के 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 0 रहेगा और माइनस 12 प्लस 12 0 एंड 0, 0 0 0 रहेगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा और 6 माइनस 15 बच्चों ये हो जाएगा माइनस 9। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स डीआईएजी 2 माइनस 1 3 एंड बी इज इक्वल टू डीआईएजी, एक डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों 3 5 माइनस 1, देन फाइंड 4a प्लस 2b। बच्चों a आपको समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो पा रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब केवल डायगोनल एलिमेंट ही लिए गए हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि जीरो होते हैं उनको नहीं लिखा गया। अगर मान लीजिए मैं इस वाले को एक्सपेंड करता हूं फुल फॉर्म में लिखता हूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 2 0 0 0 माइनस 1 और 0 0 0 एंड 3, ऐसे ये लिखा जाएगा, इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें 4a एंड 2b पता करना है, तो क्या हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, इस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, हम यही इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 4a 2b इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चों ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो आप लिख सकते हैं DIAG जो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि दो डायगोनल मैट्रिक्स है उनका सम भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 4a, मतलब इसमें इन सभी एलिमेंट्स से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 12 प्लस DIAG, इसे बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इस वाले मैट्रिक्स में तो ये हो जाएगा 6 10 माइनस 2, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिखें, इस वाले फॉर्म में, नहीं बच्चों ऐसे ही हो जाएगा, हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही लिखने हैं, बाकी तो सारे के सारे जीरो ही रहेंगे तो उन्हें जरूरत नहीं है। तो DIAG 8 प्लस 6 14 माइनस 4 प्लस 10 ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है तो ये हो जाएगा बच्चों 6 12 माइनस 2 10,
तो ये 4a plus 2b हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप फुल फॉर्म में ना लिखें, डायरेक्ट ऐसे ही कर लें। ध्यान रखें कि 4a plus 2b भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जो कि ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है बच्चों, हमें x पता करना है, ये x पता करना है। तो बच्चों इस x को पता करने के लिए हमें 2a पता होना चाहिए। वो कैसे पता कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स में आप 2a से मल्टीप्लाई कर लो। 5b चाहिए, 5b के लिए हमें इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। तो x पता करने से पहले हम 2a और 5b पता कर लेते हैं। सॉल्यूशन, 2a इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहां दोनों गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स सेम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, 0, 8, -4, 6 और 12। बच्चों 5b पता कर लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, -10, 20, 10, -25, 5। ओके, अब बच्चों हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये वाली 2a प्लस 3x प्लस 5b, इसी से हम x सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, तो 3x हो जाएगा बच्चों 5b माइनस 2a, या बच्चों x लिखा जा सकता है 1/3 5b माइनस 2a। तो x इज इक्वल टू 1/3 और 5b माइनस 2a का यहां डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 5b। तो बच्चों हमारे पास ये है 10 - 10, 20, 10 - 25, 5 माइनस 16, 0, 8, -4, 6, 12। बच्चों अब इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 - 16 - 6 - 10 - 0 - 10 ही रहेगा, 20 - 8 - 12, 10 + 4 - 14, -25 - 6 - 31 - 5 - 12 - 7। अब बच्चों आप चाहो तो 1/3 से ब्रैकेट में मतलब कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -2 - 10/3। भाई इस स्केलर की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है तो सभी नंबर में 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14/3 - 31/3 - 7/3। तो इस प्रकार से आप दोनों मैट्रिक्स का मतलब इस प्रकार से आप मैट्रिक्स x पता कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको 5b और 2a पता कर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, आप देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, देन फाइंड द मैट्रिक्स z सच दैट x + y + z = 0 मैट्रिक्स। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x + y + z = 0, क्योंकि सभी मैट्रिक्स का सम 0 दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें z पता करना है तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x - y, x और y दोनों को हम इधर भेज देते हैं। ओके, अब -x पता कर सकते हैं, -y पता कर सकते हैं और दोनों का सम ही z हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। -x = -3 - 1 + 1 - 5 - 2 - 3 +
बच्चों इसमें इस मैट्रिक्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन वन, माइनस सेवन माइनस टू माइनस फोर। ओके इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। बच्चों को ये प्लस मैट्रिक्स समझ में आ रहा ना कैसे हुआ भाई, माइनस की हमने माइनस वन के अंदर वाई में मल्टीप्लाई कर ली थी तो ये प्लस ही तो रहेगा, तो जेड मिल जाएगा अभी माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं बच्चों, टू माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस ट्वेल्व, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस फोर माइनस वन। तो इस प्रकार से हम जेड पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स टू वाई इक्वल टू दिस। बच्चों हमें इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा और राइट हैंड साइड में एक सिंगल मैट्रिक्स है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। आइए पहले इसे सॉल्व करते हैं भाई, दिया हुआ है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स एक्स टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू नाइन। बच्चों आप इसे ऐसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस टू नाइन। अब बच्चों दोनों तरफ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो इस केस में एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और जो दूसरा है वो भी लिख सकते हैं आप वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू नाइन। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, तो टू के ऐसे दो फैक्टर सोचें जिसका सम थ्री होगा, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू वन जा टू और टू प्लस वन थ्री होता है, तो टू प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन कर लीजिए तो एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इनमें से माइनस वन कॉमन हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में से, इन दोनों में से तो एक्स कॉमन हुआ, इनमें से हम माइनस वन कॉमन करेंगे, तो एक्स माइनस टू कॉमन कर लीजिए तो बचा क्या एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां बच्चों एक्स की दो वैल्यू मिल गई, इस वाले से मिलेगी टू और इस वाले से मिलेगी वन। आइए वाई सॉल्व करते हैं बच्चों, वाई में इक्वेशन ये बनी थी तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब नाइन के ऐसे दो फैक्टर सोचे जिसका डिफरेंस माइनस सिक्स हो, फैक्टराइजेशन बच्चों इस इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम ए पता कर लेते हैं जो कि वन है, बी यहां माइनस सिक्स है और सी माइनस नाइन है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर वन इंटू माइनस नाइन, तो थर्टी सिक्स और प्लस थर्टी सिक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों सेवेंटी टू। फोर फोर जा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स और माइनस माइनस प्लस, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेवेंटी टू टू इंटू वन, y इज इक्वल टू सिक्स
प्लस माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू अपॉन टू। बच्चों ये 72 स्क्वायर रूट 72 सिक्स स्क्वायर रूट टू कैसे बना वो बताता हूं मैं आपको। इसे आप लिख सकते हैं 36 इसे इंटू टू, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट टू अंदर ही रह जाएगा। ओके अब इनमें से 6 कॉमन हो रहा है, ऐसा करते हैं यहां लिख लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। ये बच्चों 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से चाहें तो आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो x की बच्चों दो वैल्यूज ये होंगी जबकि y की दो वैल्यूज ये होंगी। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। बच्चों ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसे आप क्लास 10th में या जिस भी क्लास में आपने एलिमिनेशन मेथड से सीखा होगा दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अब बच्चों अगर इन दोनों को ऐड करें, अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को ऐड करते हैं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। एडिंग वन इक्वेशन वन एंड टू, तो बच्चों वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x और दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे जिसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। समझ गए भाई, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे ना दोनों मैट्रिक्स के, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो x बच्चों तो इसका मतलब ये कि ये इधर वाली जो साइड है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 10 0 2 8, तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे 5 0 1 4। x की वैल्यू हम ऐसे पता कर चुके हैं, y पता करना चाहते हैं तो उसके लिए x की वैल्यू किसी एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं हम। From equation 1, y is equal to, बच्चों हमारे पास y हो जाएगा 7 0 यहां 1 से 2 5 माइनस एक्स। अब बच्चों यहां x की वैल्यू रख लेते हैं, तो y is equal to 7 0 2 5 माइनस 5014, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस ही तो y होगा, तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। तो बच्चों x मैट्रिक्स x की वैल्यू ये हो जाएगी, मैट्रिक्स y की वैल्यू ये हो जाएगी जो कि हमें पता करना था। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा कि इस चैनल की प्लानिंग और चैनल पे जो भी नई वीडियोस आएंगी उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप मिलेंगे एक नई वीडियो में।